फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज हमारे घर में चल रहा है सफाई अभियान। सारे पर्दे निकाले जा रहे हैं और ऊपर से गेटों की विशेष, तो यहाँ पे विशेष लगा हुआ है बाहर की सफाई करने में। रहा हूं और मम्मी यहाँ पे हमें रिकॉर्ड कर रही है। हाँ और मम्मी तो घर की सफाई करनी चाहिए बेटा, बहुत अच्छी बात है। और आप भी बताना चाहिए पर घर की सफाई। बेटा मैं तो डेली करती हूँ, तुम कभी कभी करते हो। आज पापा ने दो घंटे तेरे को उठे भी नहीं हुए। मैं आ गया था और उसके बाद मैं तब से सफाई कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक बार भी नहीं होता है। मैं पूरा घर साफ कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम करोगे सारा काम। और बोलो तो गलत बात है। नहीं गलत बात क्यों है, अच्छे से ढंग से ऊपर से एकदम मिट्टी कहीं नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ इस गेट की सफाई विशेष ने की है, ऐसा लगना चाहिए एकदम। अच्छा तो नाम लिखवा दो है। हाँ अगर चमकेगा तो सीसी की तरह, तब अच्छे से करो। इधर लगा हुआ विशेष, विशेष के लिए दिया गया है यहाँ का काम कि यहाँ के जो गेट है इसकी सफाई करेगा विशेष। और इधर लगा हुआ है विश्वास। और विश्वास कैसा लग रहा है बेटा, साफ कर लिया ये पाइप? चलो अब बच्चे बड़े हो गए ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा ना काम में हाथ बटा देते हैं तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। कारपेट को अभी ऊपर छत पे लेके गए थे और छत पे जाके उसको धो के आए, धुलाई करके आए, अच्छे से सुखा दिया ना बेटा वो कारपेट है, सब से धोया था। चल देखती हूँ जब आएगा सूखने के बाद क्या ये लग नहीं रहा, ऐसे कैसे नहीं लग रहा। चुपचाप से उधर जाके कर, ठीक से हुई नहीं है अभी, अभी ऐसे होती है कुछ कमी है। पापा देखेंगे, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आप चेक करते रहो। सडनली प्रोग्राम बन गया आपका जाने का? प्रोग्राम तो बन रहा था लेकिन काफी दिन से जहाँ जाना जा नहीं पाए, लेकिन अभी आज छुट्टी है सेकंड सैटरडे की, तो बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे कह रहे पापा कहीं चलना है, तो मैंने कहा वहाँ जा रहे थे जरा, तो आज पूजा यहीं पर है, तो बच्चों को बच्चे और मैं जा रहे थे किसी काम से, मतलब लग जाएगा मतलब तीन से चार बजे तक आओगे? दो ढाई बज जाएंगे, दो ढाई बजे और ज्यादा ही टाइम हो गया, 11 बज रहे हैं, तो 11:25 दो तीन तो बज ही जाएंगे। विशेष कहाँ है? विशेष साहब भी, विशेष साहब, विशेष और बेटे कौन से फाइनल करके आओगे? आओगे तभी बताना, ठीक है? कौन से फाइनल करके? हम बाइक ले रहे हैं। मैंने कुछ बताया नहीं। हम बाइक ले रहे हैं और बाइक एकदम बढ़िया लेके आएंगे, मतलब 4-5 दिन में आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो वो बाइक से मैं भी शूट करेगी, पापा और लाला भी शूट करेगी, नहीं उसे मैं भी शूट करेगी। अच्छा चला चलाऊंगा उसको मैं, स्पेशली मेरे लिए जा रही है वो कहीं आने जाने के लिए, क्योंकि मेरे भाई के पास स्कूटी है, मेरे पापा का कार है, उसमें बीच की भी तो कुछ होनी चाहिए ना, तो अब मेरे पास बाइक होगी। चलो तो मेरे को बिठाएगा नहीं बिठाएगा? आपको बिठाऊंगा लेकिन बाय बाय। समझ गए ना इसका मतलब क्या है? समझ गए, समझ गए बेटे, ये लोग तो जा चुके हैं विशेष हैं। तो आप उधर कैसे आ गए? मैंने नहीं बताया, पापा से बता देना, बात कर लेना, बता दिया आपने, नई गाड़ी में बता देना, ठीक है? आराम से ना बेटा है, तो ये लोग जा चुके हैं। अब मैं कर देती हूँ सबसे पहले तो गेट बंद। और मैं आई हूँ अभी नहा के, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई नहाने के लिए, पता है क्यों? क्योंकि घर की सफाई हुई थी तो इस चक्कर में, और जो पर्दे थे सारे मैंने धोए नहीं अभी, लेकिन एक जगह सारे रख दिए, कल टाइम मिलेगा तो कल धोऊंगी या फिर इवनिंग में टाइम मिलेगा तो तब धोऊंगी, लेकिन थोड़े से कपड़े मैंने धोए पहनने वाले। और अब मैं चलती हूँ, पहले पूजा करके खाती हूँ खाना। तो मेरा खाना लग चुका है, आज मैंने क्या बनाया खाने में, करेले की सब्जी, सैलेड में है खीरे, दो रोटियाँ हैं और एक है लस्सी का ग्लास। तो चलिए खाना खाते हैं, सबसे पहले तो लस्सी पीती हूँ। तो दोस्तों मैं खाना खा लेती हूँ, आप सभी से मिलती हूँ खाना खाने के बाद। उठी मैं इसलिए हूँ क्योंकि फैन मैंने बंद कर रखा है, गर्मी लग रही है, तो फैन ऑन करके खाना खा लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ थोड़ी देर में। गब्बर इज बैक और आप सभी को मेरी राम राम। और ये पूजा लगी हुई है, ये क्या करने लग रही है देखो, आज मैं नई मिक्सी का उद्घाटन पहले से कर दिया, शायद आपको बता दिया होगा, और मीठा खिलाया था उसने हमें, अब थोड़ा चटपटा हो जाए, शेक खिलाया था, ओहो शेक तो पिला दिया था, अब थोड़ा सा चटपटा हो जाए। अब मैं क्या बनाने जा रही हूँ,
हरी चटनी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद लेकिन है। लाल लग रही है मुझे। तो टमाटर है। अच्छा 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 टमाटर डाला हुआ है। लाल टमाटर डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा तो आज चटनी का क्या? आपकी आज चटनी खाने की इच्छा थी इनकी तो उन्होंने बोला आज मुझे हरी चटनी के साथ रोटी खानी है, मुझे सब्जी नहीं खानी भाई। और मम्मी ने अभी थोड़ी देर पहले सेवई खाई है दूध में बनवा के, तो मम्मी का मन कर रहा था सेवई खाने का, तो मम्मी कहेंगी हल्का फुल्का खाएंगी और विशेष विश्वास खाना नहीं खाएंगे, वो मना करके गए। फिर मैं अकेले के लिए क्या सब्जी बनाऊं, तो इन्होंने मुझे बोला कि चटनी खाऊंगा तो मैं भी चटनी से खा लूंगी, मम्मी भी खाएंगी तो खाएंगी नहीं तो नहीं खाएंगी, और वो भी चटनी से खा लेंगे। अच्छा 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 तो मेरी फरमाइश से चटनी बन रही है क्या? लेकिन दोस्तों ये बताओ मजबूरी है। क्यों मजबूरी? मजबूरी क्यों है? मैंने बोला भाई शाम को ग्रे वाली सब्जी बनाया करो कुछ, इनका ये है कुछ है ही नहीं, वैसे मुझे क्या बनाऊं, तो मैंने कहा जो घर में क्या कह कुछ नहीं है, तो दुरो, 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 कुछ नहीं है तो कुछ पूछते क्यों भाई, पूछते क्यों हो फिर? अच्छा अब मैं बताती हूँ, ये पूछेंगे घर में क्या है, मैं बोलती हूँ इनसे घर में लौकी है, कहेंगे नहीं वो नहीं खाना, मैं अच्छा दूसरा क्या है, मैं दूसरा बैंगन है, नहीं वो भी मत बना वो भी नहीं खाना, कच्चे खा लेंगे, कच्चे कहेंगे, तो मैं अच्छा दाल बना दो, कह रहे नहीं वो तो सोए बनाई वो भी नहीं खानी, अब इनसे ये पूछो बनाओ तो बनाओ क्या, बना तो बनाओ क्या? हाँ। मतलब चटनी खिलाओगे फिर आप? अच्छा आपने चटनी बोला तो मैं चटनी बना रही हूँ। ऐसे कभी कभी हरी चटनी खानी चाहिए दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है। कल 15 अगस्त है, कल हम जाएंगे छत पे पतंग उड़ाने के लिए और देखते हैं कि सबसे ज्यादा पतंग कौन काटता है, ये काटते हैं कि मैं काटती हूँ। ये पतंग पिछली बार तो मैं पतंग उड़ाएंगे, आप पिछले बार देखना मेरा 15 अगस्त का मैंने बहुत सारी पतंगे काटी थी, उसने कटवाई थी प्लास्टिक का सा होता है सच में, उससे तो मतलब हाथ से ही हो जाना है, अगर किसी को पता ना चले ना तो कई बार तो कट भी लग जाता है हाथ में, तो मैं डर की वजह से उड़ाती थी बच्चों से, ये जबरदस्ती करते थोड़ा सा साबुन के लिए कर ले, चलो ठीक है साबुन के लिए थोड़ा पकड़ लेती हूँ, तो इसलिए कल जाएंगे छत पे वैसे उड़ा लेती दोस्तों, मैंने बहुत पतंग उड़ाई है। अब जो है हमारा नंबर कट हो गया है क्योंकि हमारा सतत दिवस मंत्र है और ऐसे ही हम हर्षोल्लास के साथ ऐसे मनाते रहे और बड़ी खुशी के साथ आपका ये मंत्र है हमारा ये मंत्र है, भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं। जय भारत, भारत माता की जय। और आप सब आस पड़ोसी सुनेंगे ये क्या हो रहा है, सुनने दो यार ये तो हमारा नारा है भैया। आपने मुझे एक बात पूछी थी कि जब आप अपने बच्चों के लिए शेक बनाते हो तो उसमें क्या क्या डालते हो, तो मैं केले लेती हूँ, केले तो है ही, बनाना शेक बनाती हूँ तो ये तो मुझे लेने ही है बनाना शेक है, तो और थोड़े से मैं डालती हूँ ओट्स, दोनों बच्चों के लिए एक ही साथ बना देती हूँ, ठीक है थोड़े से इसमें डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स, बस इतना ही डालती हूँ और इन्हें अच्छे से ग्राइंड करके चूल्हे दूध डाल देती हूँ 2 ग्लास, डालने के बाद इनको अच्छे से शेक करके और बस बच्चों को दे देती हूँ, मैं तो यही सब कुछ डालती हूँ और कुछ नहीं डालती इसके अंदर। बताइए इस लुक में मैं कैसी लग रही हूँ आप सभी को, इस लुक में मैंने बहुत सारी पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी रील डाली हैं और यूट्यूब पे भी डाली हैं, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखना, ठीक है ना, इसी लुक में डाली है मैंने। तो चलिए अब मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, दिखाने नहीं वाली आपको क्या सिखाने वाली हूँ, कल जो मैंने हेयर स्टाइल बनाई थी ना तो आप सभी को वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, सभी को पसंद नहीं आई मतलब कमेंट आया था, एक ही कमेंट आया था और उसके लिए बोला था कि आपने ये किस तरीके से बनाई है तो हम लोगों के साथ शेयर करना, तो मैंने सोचा चलो मैं ये वाली, ज़्यादा मुझे अच्छी तो नहीं आती, मेरे चेहरे पे ना सीधी मांग में निकालती हूँ ना अच्छी नहीं लगती, तो देखिए इस तरीके से आपको आगे से थोड़े से बाद इस तरीके से कॉम कर लेना है, तो ये वाली हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, अगर आप ज़्यादा ज़्यादा बाल लोगे तो मतलब क्लियर नहीं दिखाई दे पाएगी, तो देखिए आपको किस तरीके, मैं अपने हाथों से कर लेती हूँ, इस तरीके से आपको एकदम थोड़े से बाल लेने हैं, ठीक है अब इनको जरा सा यहाँ पे ऐसे फोल्ड करिए, फिर थोड़े से बाल साइड में से ले लीजिए इतने एकदम थोड़े थोड़े, फिर इन दोनों को आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करने के बाद फिर थोड़े से बाल लीजिए यहाँ साइड से और एकदम थोड़े कम मतलब, एकदम थोड़े, फिर इनको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, फिर यहाँ पे जो है इनको लीजिए थोड़े से, ठीक है फिर इनको आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, फिर इसी तरीके से थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और इनको ऐसे फोल्ड कर लेना है, फिर थोड़े से नीचे से लेने हैं, फिर इनको फोल्ड कर लेना है, फिर नीचे से लेने हैं इस तरीके से, और फिर सारे बाल जब आपके फोल्ड हो जाए ना नीचे से मतलब सारे बाल आ जाए आपके,
फिर जो बाल हैं आपके, ये वाले जो आपने लेयर बनाई है इसकी, फिर इनको आपको इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से करने के बाद फिर आप पीछे की साइड ऐसे देखिए, ठीक है, और ज़्यादा टाइट नहीं खींचना, आपको थोड़ा सा लूज ही रखना है। उसके बाद आप ये वाली पिन लगा दीजिए पीछे इस तरीके से, तो देखिए, और ये वाले जो बाल है ना आपके, इन्हें ऊपर से इस तरीके से ले लीजिए ऐसे, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, अब आपको इधर से करके दिखाती हूँ, इधर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे लेना है, ये जो थोड़े से बाल है ना, एक इस तरीके से बालों को लीजिए, फिर यहाँ से थोड़े से बाल लेने हैं, इनको फिर फोल्ड करना है ऐसे, कर लिया, फिर यहाँ से थोड़े से बाल लेने हैं, फिर इनको इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर यहाँ से आपको थोड़े से बाल लेने हैं, एकदम थोड़े थोड़े बाल, फिर इनको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। और इसको ना आप इससे आगे की साइड नहीं लेके आने, बालों को जितना हो सके ना फोल्ड करते हुए पीछे की साइड लेके जाना है, और उन बालों को जो आपको पीछे के बाल हैं उन्हें थोड़ा सा इस तरीके से आप सेट कर लें, और फिर थोड़े से बाल लेने हैं आपको एकदम थोड़े थोड़े इस तरीके से, फिर इनको भी इसी में इस तरीके से, फिर साइड से थोड़े से बाल लेने हैं ऐसे ही, मतलब आपको थोड़े थोड़े बाल लेते जाने हैं, और इसी में आपको इस तरीके से लपेट देने हैं ऐसे एक राउंड में मतलब, और फिर यहाँ से थोड़े बाल लेने हैं, फिर इनको इसी में लपेट देने हैं इस तरीके से, फिर थोड़े से बाल लेने हैं, फिर इनको इसी में इस तरीके से कर देना है। अब यहाँ से आपके सारे बाल कंप्लीट हो चुके हैं ना, अब नहीं है तो क्या करें, जो लास्ट में ये थोड़े से बाल रहते हैं ना यहाँ से आप ले लें इन्हें, ये तो फिर क्या है ना ये आगे की साइड आएंगे आपके इस तरीके से, और फिर आपके जो ये बाल हैं इन्हें आप पकड़ के और इस तरीके से थोड़ा सा राउंड राउंड करके ऐसे, ठीक है, और आपको थोड़ा सा लूज ही रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, तो इस तरीके से करके फिर यहाँ पे जो ये वाली पिन है आप ये पीछे की साइड अच्छे से सेट कर दें, लगा दें, तो लग चुकी है मेरी, और देखिए अभी मैंने एक ही लगाई ना तो थोड़ा सा लूज हो गया, लटक गया है, आपको कम से कम 2 से 3 लगानी होंगी तब जाके ये अच्छे से सेट हो जाएगा, मतलब टाइट रहेगा, फिर ये लूज नहीं होगा, और आपकी जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल ऐसे कैसे बनी रहेगी, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ में आया, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर मैं नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग है उसमें आपको बता दूंगी। और मुझसे पूछा था फिंगर्स के लिए कि मेरी जो फिंगर्स हैं बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी है, तो इनको थोड़ा सा पतला करूँ तो किस तरीके से करूँ, तो देखिए आप इनको ना दिन में इस तरीके से मूव किया करो ऐसे, जितना ज़्यादा आप मूव करोगे ना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, और जितना ज़्यादा आप मूव करोगे तो आपको इनमें अपनी उंगलियों में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग नज़र आएगी, थोड़ी सी पतली हो जाएंगी ऐसे, मतलब जब आप फ्री रहा करो तो इस तरीके से ऐसे ऐसे किया करो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और आज के व्लॉग का एंड कर रही हूँ मैं यहीं पे, अगर आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। अब आपसे मुलाकात होगी कल नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।